गाइस, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरह से जो कि ब्लेंडर को इंस्टॉल कर सकते हैं या कहां से जो कि डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास विंडोज 7 है या विंडोज 10 है या विंडोज 11 है, ये तीनों में से कोई भी अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें जो कि आप इंस्टॉल कर सकते हैं, बशर्ते आपको यहाँ पर जो कि कुछ ट्रिक है जो कि आपको इम्प्लीमेंट करना होगा, वो सब जो कि हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। साथ ही साथ आप लोग के लिए जो कि एक खुशखबरी है कि आने वाला समय में जो कि इस चैनल पर जो कि हम ब्लेंडर से रिलेटिव है जो कि हम आपको वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें जो कि हम आपको बताएंगे कि आप अगर आप बिगिनर हैं तो आप किस तरह से जो कि ब्लेंडर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो कि ब्लेंडर में जो कि कौन कौन सा जो कि टेम्पलेट जो कि फ्री आता है उसे जो कि आप इस्तेमाल कर करके जो कि आप अपने वीडियो में या किसी के लिए अगर आप काम करते हैं तो उनके लिए जो कि आप किस तरह से जो कि प्रोजेक्ट को रेडी कर सकते हैं, ये सब है जो कि आने वाला समय में जो कि आते रहेगा। गाइस, अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो चलिए चलते कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पे आने के बाद टाइप करेंगे ब्लेंडर डाउनलोड फॉर पीसी विंडोज 7। अगर आपका 64 बिट है या 32 बिट है वो अपने हिसाब से देख लेना। तो फिलहाल अभी हम 64 बिट है जो कि सर्च करते हैं। अब ये आ गया, सबसे फर्स्ट वेबसाइट है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे जितना भी वर्जन जो है लोड से लेकर के लेटेस्ट ला वो सब है जो कि आपको यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पर जो कि ब्लेंडर 3.1 है इसे जो कि डाउनलोड करेंगे जो विंडोज 7 में इंस्टॉल होगा। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लेकर के चलेगा। यहाँ पे आपको जितना भी सीरीज है वो सब सीरीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो कि देख सकते हैं 2020-22 जो है यहाँ पर ये वाला सीरीज हम लोग डाउनलोड करेंगे। तो 20 पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लेकर के चलेगा। यहाँ पे आने के बाद आपको देख लेना 64 बिट है या 32 बिट है, तो 64 बिट के लिए डाउनलोड करेंगे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। अब ये डाउनलोड हो चुका है तो अब इसे जो कि हम यहाँ पे आपको इंस्टॉल करके दिखाते हैं। इसे सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंस्टॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट इंस्टॉल, थोड़ा सा वेट करना होगा। तो बस ये देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, फिनिश पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो कि हम लोग आ जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं ब्लेंडर इंस्टॉल हो चुका है। अब इसे यहाँ से टास्क बार करने के बाद ओपन करेंगे, थोड़ा सा वेट करना होगा और ये जो कि ओपन होकर के आ गया। ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा आपको ब्लेंडर सबसे फर्स्ट बार जब आप इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं डायमेंशन वगैरह कोई एक ही इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ से जो कि सेम इसी पे जो कि आपको काम करना होता है, इसमें आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये सब है जो कि आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप विंडो 10 के लिए अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं उसके लिए सेम प्रोसेस है। यहाँ पे आने के बाद ये फर्स्ट वाले वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ पे लेकर के चलेगा। ये 3.6 है, ये लेटेस्ट वर्जन है, इस पे क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड हो जाएगा सेम वैसे ही। और डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे लेकर के चलाएगा। सिंपल इसी तरीके से जो कि इसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए यहाँ पे आई एग्री कर लेना है और यहाँ से जो कि सिंपल आपको नेक्स्ट और यहाँ पे नेक्स्ट इंस्टॉल पे क्लिक करना, थोड़ा सा वेट करना होगा और ये जो कि इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टॉल हो चुका है, फिनिश पे क्लिक करेंगे। अब इसे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो ये ओपन होने के बाद फर्स्ट बार कुछ इस तरह से जो कि आ जाएगा, जैसे कि जो वर्जन होता है वर्जन वाइज जो कि आपको यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिल जाएगा सेम वैसे ही, जो कि इसमें जो कि डायमेंशन आपको मिल जाएगा। इस मेथड का इम्प्लीमेंट कर करके जो कि आपके पास कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो आप इस तरह से जो कि इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। आने वाला समय में जो कि हम आपको ब्लेंडर के ऊपर जो कि डिटेल वीडियो लेकर के आने वाला है और नेक्स्ट वीडियो में जो कि हम आपको बताने वाले कि ब्लेंडर क्या है या ब्लेंडर का जो कि इंट्रोडक्शन बहुत जल्द जो कि आने वाला है। गाइस, अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें।